हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैंने मास्क पहन के रखा हुआ घर में ही, क्योंकि मुझे कोल्ड हो गया था और साथ ही साथ हल्का सा बुखार भी रहा 2 दिन। और कल से ठीक हूँ मैं, ना तो बुखार आया और कोल्ड भी ठीक हो गया, लेकिन फिर भी मैंने मास्क पहन के रखा हुआ है। जब तक तो पूरी तरह ठीक नहीं होता कोल्ड, मैंने सोचा कि सौरिश और सौरिश के पापा, तो इन्हें भी हो ना जाए मेरी वजह से ये कोल्ड, इसलिए मैंने मास्क घर में पहन रखा है। बस अभी आज बिल्कुल ठीक हूँ और 1-2 दिन अभी रखूंगी ये पहन के। फ्रेंड्स, एक चीज़ हमने और लगवा ली अपने घर में, जियो फाइबर का नेट कनेक्शन ले लिया हमने। और सॉरीश पहले तो फ़ोन पे लगा रहता था और अभी ये टीवी पे देखता रहता है अपनी गेम्स भी, और जो इसके पसंद का चैनल है। तो देखिए, अब इसको दूध दिया था मैंने, और देखिए इसका सौरिश के डबल मजे हो गए हैं। पहले तो फोन देखता, जब फोन इससे ले लेती हूँ तो टीवी में ऑन कर लेता है गेम्स अपनी। तो अभी मैं चलती हूँ नीचे, और जो आज काम हुआ हमारे घर में, कारपेंटर लगे हैं, तो वो आपको दिखाती हूँ। ये भी घर में ही है आज, क्योंकि सैटरडे संडे को फुल डे लॉकडाउन है इधर। तो चलिए नीचे चलते हैं। तो ये अपनी गाड़ी साफ करने लग पड़े हैं। तो खाली बैठ के भी क्या करना है, इसलिए कुछ ना कुछ ये अपना करते रहते हैं। अभी लोन को सभी को इन्होंने पौधों को पानी दे दिया शाम के टाइम भी। तो गर्मी बहुत पड़ रही है, तो 2 बार तो पानी देना पड़ता। तो इन्हें करने दीजिए अपना काम, हम चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या नया हुआ आज। तो मैं पूरा दिन नीचे आती नहीं हूँ, तो शाम को जब वो चले जाते हैं तभी आती हूँ देखने। तो 2 ही कारपेंटर लगे हैं और इतनी स्पीड से काम नहीं हो रहा। ये वाला सामने अभी जहाँ पे टीवी वगैरह लगना है, तो वो सब बन रहा है। तो बस इतना ही काम हुआ आज, और अभी हम भी चलते हैं बाहर। बाहर मौसम बहुत अच्छा हुआ, गर्मी नहीं अभी बिल्कुल भी, हवा भी चल पड़ी है। और मैं सब्जी लेके आ गई हूँ और इधर बैठ के छील रही हूँ मटर हरे। आई हूँ अंदर, ये देखिए ये रोटियां सूखी वाली पड़ी थी और आज गाय आई है कितने दिनों के बाद। तो चलती हूँ, कहीं चली ना जाए। तो गाय तो चल पड़ी थी, लेकिन फिर जब मैंने रोटियां खोली तो आ गई वापस और झटके से खा गई। देखिए अभी मैंने डाली थी और इतनी सारी खा गई, और ये सूखी वाली ज्यादा पसंद करती है। कोई भी गाय आए जो सूख जाती रोटियां, तो उसे ज्यादा शौक से खा जाती है। तो बस अभी एक बार इसने खा ली, अभी अभी बस ये रोज ही आ जाए करेंगी। तो पहले कितने दिन हो गए कोई भी गाय आती नहीं थी इधर, तो रोटियां इकट्ठी हो जाती थी, रोज की 1-2 तो रखनी पड़ती है, कई बार बच भी जाती है।
अभी शाम को मौसम अच्छा हो गया था और सामने छत पे बच्चे खेल रहे हैं। सौरिश मुझे बोल रहा है कि मैं भी जाऊंगा, हम यहाँ से मना कर रहे हैं कि कुछ दिन रुक जाओ, अभी आप नहीं जा सकते, घर में ही रहो। तो वो बोल रहा है मैं जा रहा हूँ। हमने बोला हम नीचे ही बैठे हैं। अभी मैं आई हूँ छत पे क्योंकि सौरिश जिद कर रहा है कि वो सामने छत पे बच्चे खेल रहे हैं, वो कह रहा है मुझे भी जाना है। मैं उसे जाने नहीं दे रही कि अभी कहीं नहीं जाना, किसी के साथ नहीं रहना, अभी अपने घर में रहना है। और वो अभी छत पे आ गया तो मैंने सोचा थोड़ा सा उसके साथ रहती हूँ मैं भी, थोड़ा उसको अच्छा लगेगा। तो अकेला है वो, उनसे बातें कर रहा है लेकिन दूर दूर से। तो बड़ी मुश्किल से समझाया, नहीं मान रहा था पहले, फिर समझ गया कि ठीक है मैं घर में रहता हूँ। तो वो सामने हैरी भी छत से देख रहा है और बच्चों ने अपने आप को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो सौरिश को तो हमने कंट्रोल किया, वैसे ये तो भाग जाता। और वो सामने भी बच्चे अपनी छत पे खेल रहे हैं। तो बच्चों के लिए ये सबसे ज़्यादा मुश्किल हो गई है, लेकिन क्या कर सकते हैं, तो ये सब भी ज़रूरी है। तो ये बड़े बच्चे खेल रहे हैं तो इसलिए ये भी बोल रहा कि मुझे भी जाना इधर, लेकिन फाइनली हम इसे रोक ही पाए, नहीं जाने दिया। और मौसम खराब हो रहा है, देखिए बादल बादल लग रहे हैं दूर दूर और बिजली भी चमक रही है। ठंडी और तेज हवा चल रही है और सौरिश ने कर दिया अपना काम। इसने क्या किया, अपनी चप्पल ऐसे फेंकी और दूसरे की छत पे चली गई है। तो अब एक चप्पल है इसके पास, तो देखते हैं अब कैसे लेकर आते हैं, जहाँ तो उनके घर जाना पड़ेगा। तो मैंने इसको स्टिक तो दी थी लेकिन सौरिश की चप्पल मिल गई है। कि वो उधर नवी है जो इनका बेटा, वो सैर कर रहा था तो उसने चप्पल फेंक दी सौरिश की, नहीं तो सौरिश को घर जाना पड़ना था। अगर इनका डोगी जो शैगी वो होता तो वो चप्पल को खा जाता है, लेकिन वो अभी छत पे नहीं था। तो सौरिश के पापा फ्रूट चाट बना के लेके आए हैं, तो अभी इधर बैठ के खाते हैं। तो आप ही खा लीजिए फ्रेंड्स। मैंने अपने लिए अलग बाउल में डाल लिया और इनसे थोड़ा दूर ही हो गई हूँ। मौसम बहुत खराब हो रहा है, अभी हमें नीचे चलना चाहिए। किधर हुई अभी? तो बहुत ठंडी सी हवा चलने लग पड़ी है और साथ ही साथ बिजली भी चमक रही है, हो सकता है थोड़ी बहुत बारिश भी आ जाए। और अब हम नीचे आ गए हैं। तो फ्रेंड्स यहीं पे ब्लॉग खत्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना, अपनी फैमिली का, बच्चों का ध्यान रखें। बाय बाय फ्रेंड्स।